गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में। व्यूअर्स, आज के रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज दोपहर आपके पर्सन की करंट रूप फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, और साथ ही आपका पर्सन आपके बारे में थर्ड पार्टी से क्या बातें करता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। ओके, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग के स्टार्ट। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द डेविल एंड द चैरियट। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज निकल कर आई हैं जो इंसान आपके लिए, इस रिश्ते के लिए जो पैशन, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस रखते हैं वो यहाँ इन कार्ड्स में क्लियर दिखाई दे रहे हैं। पर आप दोनों के रिश्ते पर किसी की बुरी नज़र है और ये बुरी नज़र आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। आपका पर्सन इस बात से परेशान है कि आप इस पर्सन को और इस पर्सन की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को और आपको इग्नोर कर रहे हैं, किसी और की बातों में आकर किसी और के ही बताए हुए मार्ग पर चल पड़े हैं। जैसे कि इस पर्सन को आपकी ज़्यादा फिक्र नहीं रही है, ये पर्सन इन दिनों आपसे रूठे रूठे से हैं, आपसे खफा खफा से हैं, पर ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। पर हाँ, ये पर्सन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इस पर्सन को आपके साथ कब तक इस रिश्ते में रहना है, यानी कि ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर उतना सीरियस नज़र नहीं आ रहा, सोच विचार ज़्यादा है। किसी और की बातों में आकर इस पर्सन ने शायद अपना डिसीजन चेंज किया है, ऐसा भी लग रहा है। या फिर जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों के रिश्ते पर किसी की बुरी नज़र है, उस नज़र की ही असर है कि ये पर्सन आपसे रूठ गए हैं, बात नहीं कर रहे, आप दोनों एक नॉन कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं और आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं वो किसी तीसरे पर्सन की वजह से क्रिएट की जा रही हैं। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिश्ते पर, उस थर्ड पार्टी की नज़र है और आपके पर्सन पर खासकर उस इंसान की नज़र है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो भी थर्ड पार्टी है आपकी नज़र में, तो एक ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों के रिश्ते में डेविल का काम कर रहा है, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है, इसलिए आप थर्ड पार्टी से नाराज़ हैं और आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी की नज़दीकियों का ही असर है कि आपका पर्सन इन दिनों आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात नहीं मान रहा, आपकी हर कही बात को झुठलाने की कोशिश कर रहा है, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपका पर्सन आपके लिए सोचता तो है, पर हाँ, इस पर्सन की समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन क्या करे, क्योंकि जब से थर्ड पार्टी से ये पर्सन मिला है, उस इंसान से आपके पर्सन की जो नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, यही एक वजह है कि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। आप इस पर्सन से नाराज़ हैं क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। आपका पर्सन सच और झूठ के बीच में जैसे कि फंस गया हो। ये पर्सन आपसे जितना प्यार करते थे, अब आपसे ना ये पर्सन उस प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है इस पर्सन की लाइफ में रिसेंटली एंटर हुई है, ऐसा भी लग रहा है। और या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि ये इस पर्सन का पास्ट है और जो भी थर्ड पार्टी है, डाइवोर्स ही हो सकती है, उस इंसान का डाइवोर्स हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है ऐसा लग रहा है। तो ये इंसान जो भी है डाइवोर्स ही हो सकता है। उस इंसान के जीवन में जो दुख है, जो दर्द है, वो उस दर्द से निकलने के लिए ही आपके पर्सन की लाइफ में एंटर हुआ है या हुई है। तो जो भी इंसान आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त बना हुआ है, आपको उससे दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता जो है ना टूटता जा रहा है, आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, साथ ही आपका पर्सन आपसे दूरी बनाता जा रहा है। पर इन दूरियों के बावजूद भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। इस पर्सन को आप में एक ऐसा व्यक्ति नज़र आता है जो इस इंसान के लिए परफेक्ट है, फिर भी ये पर्सन इस बात को अब नहीं समझ पा रहा। शुरू में इस पर्सन को ऐसा लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन की जो नज़दीकियाँ हैं वो एक एज अ फ्रेंड की तरह ही हैं। तो ये पर्सन अच्छा वक्त गुजार रहा था, अच्छी बातें कर रहा था,
और उस इंसान की मदद करने की कोशिश कर रहा था, और ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की मदद करते करते ये पर्सन आपसे ही दूर चले गए हैं। आपने इस पर्सन को अपने आप से दूर जाता हुआ देखकर इस पर्सन को रोकने की कोशिश भी की, इस पर्सन को समझाने की कोशिश की है, पर शायद आपकी बातों का असर इस पर्सन पर नहीं हुआ, क्योंकि इस पर्सन के दिल पर दिमाग पर तो किसी और का ही जादू सर चढ़कर बोल रहा था। तो ये पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में आके आपसे रिश्ता ख़राब करते जा रहे हैं, और ये पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में बात भी करते हैं, क्योंकि ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो भी ये पर्सन छोड़ना आपको भी नहीं चाहता। भले ही ये पर्सन ऑनलाइन सिचुएशन बनाए हुए हों या पूरी तरह से कॉन्टैक्ट आपसे ख़त्म कर दिया हो, फिर भी ये पर्सन थर्ड पार्टी का दिल से नहीं है। भले ही ये पर्सन दिमाग से उसके बारे में सोचने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना बेनिफिट नज़र आ रहा है। ये पर्सन उस इंसान की तरफ अगर अट्रैक्ट हुआ है तो इस पर्सन को अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसीलिए ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, आपके बारे में बात करता है, ताकि थर्ड पार्टी को ये एहसास करा सके ये पर्सन आपका है और आप ही का रहेगा। तो ये पर्सन एक टेम्परेरी रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ बनाए हुए हैं, और वो टेम्परेरी रिश्ता कभी भी टूट सकता है। आपको परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इंसान आपका है, आपके लिए इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, प्यार है, तो ये फीलिंग्स और प्यार इस पर्सन को रिटर्न आपकी लाइफ में ले आएंगी। वक्त लगेगा, अगर ये पर्सन टाइम लेना चाहता है तो आप इस पर्सन को टाइम दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पर्सन के पीछे भागेंगे या फिर इस पर्सन का दूर रहकर ही आने का वेट करेंगे या सुधरने का वेट करेंगे, या फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये पर्सन आपके साथ सही नहीं है, सही नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, पर हाँ, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप उन्हें क्लियर करें, तो बहुत कुछ ऐसा है आप दोनों के रिश्ते में जो आप दोनों को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा, आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा और थर्ड पार्टी धीरे धीरे आप दोनों की ज़िंदगी से जा सकती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन को पाना चाहते हैं या उसे इसी तरह दूर जाते हुए देखते रहेंगे, या फिर इस पर्सन के सुधरने का इंतज़ार करेंगे कि ये पर्सन खुद ही आपकी वैल्यू को समझे, आपके प्यार को समझे। तो ये आप पर डिपेंड करता है। ये पर्सन आपका है और इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इस पर्सन के मन में फीलिंग्स की बात करें तो वो आपके लिए हैं, और ये इस पर्सन के मन में फीलिंग्स ही हैं आपके लिए जो इस पर्सन को ये एहसास करा रही हैं कि ये पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं। तो इस पर्सन के मन में आज दोपहर भी इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि ये पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं, आप दोनों के बीच कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। पर ये पर्सन इस वक्त ना अपनी लाइफ को थर्ड पार्टी के साथ में जिस तरह से देख रहा है, जिस तरह का रिश्ता इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से बनाया है, उसमें इस पर्सन को फ़ायदा नज़र आ रहा है। ये अपने फ़ायदों को भी इग्नोर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये पर्सन उस वक्त और इस वक्त भी थर्ड पार्टी के साथ बना हुआ है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।